बॉबी कटारिया को लेकर दून पुलिस का कहना है कि हम ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहा है। दरअसल 11 अगस्त को भले ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बॉबी कटारिया पर मुकदमा दर्ज किया हो, लेकिन पुलिस करीब 25 दिनों बाद भी बॉबी कटारिया तक नहीं पहुंच पाई। अभी तक पुलिस कटारिया के तमाम ठिकानों पर दबिश दे चुकी है। वहीं कोर्ट में सरेंडर की सूचना पर कोर्ट के बाहर भी पुलिस का रोष फहरा है। बॉबी कटारिया पर देहरादून की सड़क पर खुलेआम ट्रैफिक रोककर शराब पीने के मामले में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अब देहरादून SSP का कहना है कि जल्द ही बॉबी कटारिया के खिलाफ पुलिस लुक आउट नोटिस जारी कर रही है। वहीं बॉबी कटारिया पर पहले ही 25,000 का इनाम पुलिस ने रखा है। उधर दिल्ली पुलिस बॉबी कटारिया को एक और अन्य मामले में आरोपी बना चुकी है। बॉबी कटारिया के अगेंस्ट जो है हमने पर्याप्त साक्ष्य संग्रहित कर लिए हैं। विवेचना कैंट थाना स्तर से की जा रही है और कल ही जो है उसका अंतरिम बेल जो है वो कोर्ट ने निरस्त कर लिया है। NBW कोर्ट ने इशू कर दिया है, वो भी एग्जीक्यूट हमने कर दिया है। जानकारी मिली है कि दिल्ली पुलिस ने भी इनके खिलाफ जो है बहुत हीनस क्राइम सेक्शंस में मामला पंजीकृत किया है और उसमें जो है 7 साल से ज़्यादा की सज़ा है, तो उसको जेल जाना है। और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि वो कहीं से ट्रेस आउट हो जाए, आकर के अपना जो भी इसमें विधिक कार्रवाई की जानी है वो कर ले और उसके बाद जो भी इसको कानूनी विकल्प उपलब्ध है उसके बाद वो उसका वो करते हुए अपना जो है बचाव कर ले, जो भी करना हो। बहरहाल जो है अभी स्थिति है कि हम लोग ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है और जगह जगह हम लोग दबिश दे रहे हैं और जो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है उससे हम कार्रवाई कर रहे हैं। उसके लिए हम प्रक्रिया हमारे एक दो दिन पूरा हो जाएगा। दिल्ली पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी कर लिया है। हम भी बहुत आने वाले समय में कल परसों तक हम लोग भी लुकआउट नोटिस जारी कर देंगे।